स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का बुधवार को उद्घाटन किया। विश्व शांति बुद्ध विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा का वजन 520 किलोग्राम और ऊंचाई 10.5 फुट है। अधिकारियों ने कहा कि यह बुद्ध विहार पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थापित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न: किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़े पावर प्ले स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पावर प्ले में 113/1 रन बनाकर यह खास उपलब्धि हासिल की। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 गेंदों में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। साउथ अफ्रीका ने साल 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पावर प्ले में 102 रन बनाने का कारनामा किया था, लेकिन ट्रेविस मिचेल की तूफानी पारियों ने इसे तोड़ दिया। अगला प्रश्न: हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ए श्रीकांत विश्वनाथन, बी सिद्धार्थ अग्रवाल, सी नीरज चोपड़ा, डी सतीश कुमार। आंसर बी सिद्धार्थ अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन: बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। यह उपलब्धि 2018 में 46 साल की उम्र में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक संकरी शाखा है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करती है। अगला प्रश्न: हाल ही में कहां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ए बोत्सवाना, बी युगांडा, सी वियतनाम, डी पेरू। आंसर ए बोत्सवाना। एक्सप्लेनेशन: कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के कोरोवे खदान में 2492 कैरेट की हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया के 20% हीरे का उत्पादन होता है। कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खदान में खोजा गया था। ये 3106 कैरेट का है। इसे अलग अलग 9 टुकड़ों में काटा गया था। इनमें से कई टुकड़े ब्रिटेन के शाही मुकुट में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न: पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन: धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने 4 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते, जिससे खेलों में एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार पहला और दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। 35 वर्षीय धर्मवीर ने सटेट डी फ्रांस में अपने 5वें प्रयास में 34.92 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। क्लब थ्रो ओलंपिक में हैमर थ्रो के जैसे ही एक पैरालंपिक प्रतियोगिता है।